हेलो। हाँ कर सर एक मिनट, रिकॉर्डर का वो बैटरी चेंज करो। जी। ओके मैं एक दीदी की बात का एक उत्तर देके फिर शुरू कर, है ना। एक चीज जो आपस में संबंधों को खूब पक्का करती है वो है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। विश्वास किस चीज़ से बनता है? अगर हमें किसी चीज़ का उत्तर नहीं आता या हमने कुछ अचीवमेंट नहीं की है तो उसको वैसा बता देना, इससे विश्वास बनता है कि देखिए ये मेरे को नहीं मालूम या मैं इसमें अभी पूरा नहीं पढ़ पा रहा, है ना। बच्चों के मामले में एक आयु के बाद ये बोलने से संबंध बहुत मजबूत होता है ना। हमारा क्या हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं स्पेशली पेरेंट और टीचर होने के नाते हमें सब चीज़ों का उत्तर देना है, और वो हम नहीं कर सकते, हर चीज़ का उत्तर हम नहीं दे सकते अभी, तो वो बोझ ना लिया जाए, ठीक है। जितना किया उतना बताया जाए, जितना सोचा उतना बताया जाए, बाकी जगह ईमानदारी से बात रखी जाए। उससे उसको इमीडिएट सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा पर उसे विश्वास होगा मेरे को ऑनेस्ट आंसर मिल रहा है, तो आपकी बात पे भरोसा बना रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है। यस सर। अभी होता है क्या, पेरेंट्स को अभी मोर और लेस सिंगल चाइल्ड मेल और सिंगल फीमेल चाइल्ड रहता है, तो काफ़ी उन लोगों पे फोकस रहता है, वो बच्चों को ठीक नहीं लगता। एक और दूसरी चीज़ क्या है, कोई बार डायलॉगिंग जो होता है उसी टाइम पेरेंट्स इफ़ी से कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जब ना ना बोलते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ठीक बात है। अभी मोर और लेस जो प्रॉब्लम जो है बच्चों का वो है मोबाइल का। अभी एक पेरेंट्स बिफोर 4-5 डेज यहाँ कॉलेज में डिपार्टमेंट में आए थे, तो वो बच्चा मान नहीं रहा था वो मोबाइल यूज़ करने के लिए। अभी और मैं भी जब क्लास लेता हूँ तो एवरेज यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स 2.5 आवर्स टू 7.5 आवर्स, 2.5 घंटे से 7.5 घंटे तक वो मोबाइल पे रहता है। वो लोग मानते भी है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी उससे छूटता नहीं, एडिक्शन है, एडिक्शन हो गया है। तो पेरेंट्स ने क्या किया, 11,000 रुपया का मोबाइल था वो लेके तोड़ दिया। वो बोलते थे कि हमने तोड़ दिया। नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। नो वे। और बच्चे इधर आके फैकल्टी को बोलते हैं कि भाई ये तो हमारे पे इतना रिस्ट्रिक्शन है ना कि मुझे ठीक नहीं लगता। तो उसी टाइम इन व्हाट वे टीचर कैन हेल्पफुल टू देम, राइट। दिस इज द बिकॉज ये जो टीचर्स है वो भी काफ़ी यंग ही है, तो उन लोगों के पास ये इश्यूज आते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा लॉजिक चाहिए। ठीक बात है। देखिए ये सब इश्यूज जो हैं, क्या कि देखिए अभी जो जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उसमें संबंध कोई प्रायोरिटी नहीं है, हमारी बात सामने वाला मान ले ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ना। तो पेरेंट चाहता है बच्चा मेरी बात मान ले, बच्चा चाहता है पेरेंट मेरी बात मान ले, इसके लिए संबंध को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, है ना। फ़ोन तोड़ दिया उसे क्या होगा, संबंध ही टूटेगा, और फ़ोन थोड़ा ना, फ़ोन तो जो फिजिकल चीज़ है, जो मेन चीज़ टूट गई वो संबंध है, विश्वास टूट गया। अब कोई पूछे वो 11,000 का फ़ोन की कौन दिलाया था उसे, उसके हाथ में 11,000 का फ़ोन आया कहाँ से, पेरेंट नहीं दिलाया होगा ना, वो तो अर्निंग नहीं करता है ना। तो पहले आप ही दिलाते, आप क्यों दिलाए थे। हम लोग एक टाइम पे 94-95 की बात है, हम लोग बिजनौर एक जगह है यूपी में, वहाँ पे एक छोटे से स्कूल में काम करते थे, रूरल एरिया में था, पूरे फील्ड्स के बीच में स्कूल था, आसपास 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर 10 गांव थे ऐसे सराउंडिंग। तो हम लोग स्कूल में पढ़ाते थे तो बच्चों को कुछ अच्छी बात बताते थे, उसका प्रभाव भी आया। जीवन विद्या एक परिचय में आपने पढ़ा होगा, वो स्कूल का मेंशन किया है ना। खैर तो उधर एक बार पेरेंट्स आए, एक पेरेंट आया और बोला कि हमारा बच्चा टीवी बहुत देखता है, खूब शिकायत की है ना,
तो हमने पूछा उससे, भाई क्या चाहते हैं आप? बोलते हैं टीवी ना देखे, बहुत टीवी देखता है। तो उससे पूछा ये बात, अच्छा ये घर में टीवी आया कहाँ से, है ना, ये बच्चा टीवी देखना सीखा कैसे? ये सब हम ही ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, पहले तो ये हम समझ लें। तो बच्चे की इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी गलती हमारी है उसमें, है ना। अच्छा, इसमें सर्कमस्टेंसेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आज की डेट में 2-3 साल के बच्चे को खाना खिलाने के लिए वीडियो यूट्यूब चला के खिलाया जाता है। आप देख लीजिए अर्बन सिटीज में, बच्चे को मालूम है उसको कैसे यूट्यूब में वीडियो चेंज करना है, वो जानते हैं सारे, है ना। तो जब तक यूट्यूब नहीं था, तक ये बच्चे खाना नहीं खाते थे क्या? क्यों उन्हें लगा ये सब? ये इसलिए उन्हें लगा है क्योंकि वही आप जो बोल रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा। परिवार व्यवस्था को हम समझे नहीं। परिवार व्यवस्था में कुछ निश्चित क्रियाएं हैं, है ना, खाना बनना है, घर की मेंटेनेंस होनी है, कपड़े धुलने हैं, है ना, आपका शिक्षा का कुछ काम होना है, व्यवसाय का कुछ काम होना है। तो आप चाहे 3 लोगों का परिवार हो, चाहे 10 लोगों का, ये सारे काम होने ही है, ठीक है। 10 लोगों का परिवार होगा तो वो काम बढ़ जाएगा, 3 लोगों का होगा वही 3 लोगों में से बच्चा तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता है, तो हस्बैंड जो है वो अर्निंग के लिए नॉर्मली बाहर चले जाएगा, तो वाइफ है उसी को सारे काम करने, हाउस होल्ड के, तो उसको सारे काम करने, तो उसके पास टाइम स्लॉट्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो खाना जो खिलाना है छोटे बच्चे को, वो 15-20 मिनट में खिलाना है, नहीं तो दूसरा काम छूट जाएगा, कपड़े नहीं धुलेंगे अगले दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो प्रेशर में उसको कराने के लिए वीडियो चलाओ, खाना खिलाओ, काम खत्म, इस वजह से आ रहा है। अब ये सब हम समझते ही नहीं है। परिवार व्यवस्था में निश्चित क्रियाएं होनी है, कम से कम 3 पीढ़ियां साथ रहनी है, ठीक है। तो ये परिस्थितियां, तो पहले तो कारण समझ में है। कारण समझ में आने से क्या होता है, फिर हम व्यक्ति को ब्लेम करना छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, इससे संबंध में बाधा नहीं आती है कि ये सिचुएशनल है सारी चीजें। तो पेरेंट्स के साथ भी डायलॉग हो और स्टूडेंट के साथ भी डायलॉग हो, पहले उसको इस सिचुएशन समझ में आनी है, सिचुएशन का कारण क्या है जो घटित हो रहा है, और इसके प्रोज एंड कॉन्स आप बता सकते हैं। लेकिन देखिए, वो डिसीजन जो है अभी उसका अभ्यास, एडिक्शन को जो ट्रीट करने के अलग तरीके होते हैं। जैसे सब्सटेंस का एडिक्शन होता है, ये जितने भी हैं मोबाइल फ़ोन के, टीवी के, इंटरनेट के एडिक्शंस, इनको भी ट्रीट करने के अलग तरीके हैं। नॉर्मल केवल बोलने से नहीं छूटता है। इसके लिए जैसे अल्कोहल एनोनिमस करके ग्रुप बनते हैं, जो अल्कोहल छूटने में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आज तक क्या है, अल्कोहलिक साथ में बैठ के ग्रुप में बात करते हैं, ड्रग एडिक्ट साथ में बैठ के ग्रुप में बात करते, बात करने से उनमें से किसी एक दो का छूट जाता है। अभी तक सबसे सक्सेसफुल तरीका यही है और कुछ नहीं है, डायलॉग ही है आपस में। जो लोग सफ़र कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हैं वो। तो ऐसे ग्रुप शुरू किया, अगर पहली तो चीज़, एम आई एडिक्टेड टू द मोबाइल फ़ोन और नॉट, एम आई एडिक्टेड टू द इंटरनेट और नॉट, पहला एक्नॉलेजमेंट ये है। अगर मेरे को एडिक्शन है तभी तो मैं इलाज चाहूँगा। अगर मेरे को लगता है नहीं मैं तो फ्री हूँ, मैं तो इसके बिना रह सकता हूँ और मैं रोज़ उसमें लगा हुआ हूँ, तो फिर उसका इलाज नहीं चाहूँगा। तो वो प्रोसेस को लाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर बहुत कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो बेसिकली एजुकेशनल प्रोसेस से ले जाना पड़ेगा। कोई शिकायत आ रही है कि बच्चा ये इसमें एडिक्टेड है, तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों बैठ के देखें उसको, बहुत सारा कुछ है उसमें। तो बेसिकली वी कैन बी फैसिलिटेटर्स, सॉल्व तो उन्हें करना है, आप उनको मतलब ठीक नहीं कर सकते, आप ठीक होने में सहायक हो सकते हैं। ये पहले हमारे को समझना है। टीचर्स कांट फिक्स थिंग्स एट दैट एज, है ना, लाइक अ 4-5 ईयर ओल्ड चाइल्ड या 8-10 ईयर ओल्ड चाइल्ड, यू कैन फिक्स लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो अलाउ करती है सिचुएशन, यू कैन इंटरफेयर, यू कैन मतलब दबाव प्रभाव, है ना, प्रलोभन, किसी विधि से आप उसको ठीक कर लो, लेकिन इतनी बड़ी आयु में आप नहीं कर सकते हस्तक्षेप, बट यू कैन फैसिलिटेट इन फिक्सिंग थिंग्स, आप सहयोग कर सकते हो। तो पर निर्णय तो उसी का होगा, स्टूडेंट का और पेरेंट का ही होगा। पेरेंट तो एक आधी बार आएगा, सबसे ज़्यादा तो निर्णय स्टूडेंट का ही होगा। तो उसके लिए फोरम्स हों, उसके लिए बातचीत हो, उसके लिए मैकेनिज्म्स इन प्लेस हों, जिसमें आप करते, अच्छा बेटा आपको ये समस्या है, देखिए हम पहले भी ऐसे आ चुके हैं, आप ये देखो, ये पढ़ो, आपको ये प्रॉब्लम समझ में आती है कि नहीं आती, ये प्रॉब्लम है कि नहीं है,
पेरेंट जो बोल रहे हैं उसको छोड़ो, उस वाली प्रॉब्लम को पहले बताइए, ये प्रॉब्लम तुम्हें लगती है कि नहीं लगती? लगती है, तो इसके लिए क्या किया अभी तक? किया तो ये सफल हुए कि फेल हुए, है ना? इस तरीके से बातचीत हो एक तरीके से, तो उसके अंदर ऐसे 5-7 बच्चों का अगर ग्रुप हो जाएगा, मतलब अगर आप लोग जैसे एक सब वो बना सकते हैं कमिटीज, जो जो इंटरनेट एडिक्शन का ग्रुप ये है, सब्सटेंस एडिक्शन का ये है, ऐसे ग्रुप्स बन सकते हैं जो आफ्टर क्लास वगैरह बैठ के किसी वीक में 1-2 बार मिलें, बातचीत करें आपस में उसे निकलने के लिए। ये सब काम है, मतलब ये सब काफ़ी एनर्जी लेंगे ये सब चीज़ें, बट ऐसा नहीं है कि इसमें रास्ते नहीं, रास्ते बहुत हैं इसमें। एक्चुअली देखिए, पहली चीज़ तो हम कंसर्न्ड हैं, ये भाव उन तक पहुंचने की ज़रूरत है, जेन्युइनली कंसर्न्ड है। इट इज़ नॉट कि हम इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में ये काम नहीं चल रहा है इसलिए हम एड्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर अ प्रॉब्लम देयरफॉर आई वांट टू एड्रेस इट, नो, दैट इज़ नॉट द रीज़न टू एड्रेस द सिचुएशन। रीज़न इसलिए है कि आई एम कंसर्न्ड फॉर यू, आई थिंक ऑफ यू एज माई ओन, यू आर माई स्टूडेंट, therefore we have a relationship, therefore I am concerned। ये अगर भाव पहुंच गया तो आपकी कम्युनिकेशन को स्वीकारेंगे। अगर उन्हें लगता है कि आई एम अ प्रॉब्लम चाइल्ड और इसलिए लोग एड्रेस करना चाहते हैं, देन दे विल रिजेक्ट इट, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ दीज एग्जाम्पल्स वी आर टॉकिंग अबाउट आर प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज, क्राइसिस टू क्राइसिस, ये समाधान नहीं है। समाधान के लिए तो शिक्षा में ही आना पड़ेगा। वील हैव टू हैव इंडक्शन प्रोग्राम्स, वील हैव टू हैव कमिटीज विच टॉक अबाउट दीज थिंग्स, एजुकेशनल प्रोसेस इंस्टीट्यूशन, है ना, उनसे रिजॉल्व होंगी चीज़ें। जहाँ स्कूल्स में हमारी एक्सेस है तो स्कूल्स में ही बातें पहुँचनी पड़ेंगी, जहाँ पर हमारे पास फैमिली के एक्सेस हैं तो फैमिली में बातें पहुँचें। इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली, बट पूरी दुनिया में ये इंस्टीट्यूशन अकेला है जहाँ पे इतने सारे लोग मिलके एक साथ अध्ययन करें किसी इंस्टीट्यूशन में, ये इसका सौभाग्य है इस जगह का। तो यू हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी, तो मेरे को तो ऐसा दिखता है यहाँ पे। तो मैं जितनी बार भी यहाँ आता हूँ या सोचता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। बताइए, खुश होने की बात है ना? ठीक, इसमें टीचर को भी अपने रूटीन जो है उसी से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, कि जनरली दे आर बिजी फॉर 18 to 20 hours पर वीक, दे हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा आवर्स फॉर इंडिविजुअल, बिकॉज एक जो लड़के को जो चाबी लगाती है वो दूसरे को तो ठीक नहीं लगती, तो इंडिविजुअल वी हैव टू सिट विद देम। देखिए, इसमें मेरा तो ऐसा मानना है कि इसके लिए जो प्रोसेस है वो इंस्टीट्यूशनल नहीं है, है ना? दिस कांट बी कि we can pass an order where teachers will have to spend 1 hour extra every week or 2 hours extra every week to counsel the student. इससे नहीं बनेगी ये बात, है ना? ये इसका जो process है वो human level पे है, because this is a human issue. So any teacher who is feeling concern will find the time. अगर आपको concern होगा तो होगा, है ना? ये order से नहीं होगा, पहली चीज़ तो ये पकड़ने की है इसमें। कंसर्न आपके अंदर जनरेट हो ही रहा है, मेरे को लगता है जो प्रोसेस चल रहा है हमारा अध्ययन का, इससे कंसर्न्स आ ही रहे हैं, एंड इसके लिए आप लोग कुछ कुछ कर भी रहे हैं मेरे को लगता है। सो लेट्स गिव इट सम टाइम, और कभी 1-to-1 इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट के साथ, कभी 1-to-small group, कभी 1-to-larger group, सब प्रोसेस चलेंगे पैरेलली, है ना? और वो आएंगे, निकल के आएंगे धीरे धीरे। अभी मतलब सब केवल 1-to-1 ही चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं गर्डी कॉलेज, जब राकेश भैया वहाँ थे, आई केम फॉर अ वर्कशॉप इन 2013, है ना,
है वहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप और उधर के स्टूडेंट्स टीचर्स को किसी को कुछ नहीं मालूम व्हाट इज जीवन विद्या नथिंग, तो फर्स्ट टाइम वर्कशॉप हो रहा है उधर, है ना। तो हम लोग फर्स्ट डे वर्कशॉप कर रहे थे, तो आई थिंक आफ्टरनून सेशन में या किसी टाइम पे जो टीचर्स थे साइड में बैठे थे उनमें कुछ खुसर पुसर होने लगी कुछ बात, आई नोटिस्ड इट। तो ब्रेक हुआ तो मैंने पूछा क्या बात हो गई, तो सब लोग मिलके बताए कि वो एक स्टूडेंट देखो वो पीछे बैठा है, वो यहाँ का गुंडा है और वो बहुत बदमाशी करता है और बच्चों को जुआ खिलाता है और गुंडागर्दी करता है, सब करता है, वो आके बैठ गया तो कुछ गड़बड़ करेगा। तो मैंने बोला जब करेगा तब देखते हैं, अभी चलते हैं आगे। अगले दिन वो लास्ट रो में बैठा था फर्स्ट डे, वो दो रो आगे आके बैठ गया, है ना। तब तक अगले दिन मेरे को ध्यान ही नहीं गया उस पर, थोड़े दिन में बाकी टीचर्स भी भूल गए, और धीरे धीरे करते हुए तीसरे चौथे दिन वो फ्रंट रो में आके बैठने लगा, कुछ बोलता नहीं था, है ना। और हमारी वर्कशॉप जिस दिन पूरी हुई उस दिन सबको एक फीडबैक देना होता है, उसका फीडबैक सबसे अच्छा था। वो क्या बोला है कि देखिए मेरे को तो किसी ने इनवाइट भी नहीं किया, मैं तो इसलिए आया था कि मेरे को बुलाया नहीं है, मैं जाके देखूंगा क्या है, देखता हूँ कौन मना करता है बैठने से, है ना। इसलिए वो आ गया, और उसके बाद उसने कोई बात सुन के उसको सुनने का मन कर गया, सुनने का मन कर गया, उसने अच्छे से सुना और उसको कोई बातें छुई, उसने अपने आप से बोला मैं ये गलतियां करता हूँ, मैं जुआ खिलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और मैं ये सब नहीं करूँगा, थोड़ी देर की बातचीत सुन के अपने आप से। तो ये जो एक्टिविटीज अगर ये होती है ना, इसमें मतलब वो ह्यूमन लेवल पे टच करती है, किसको कब करती है ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बहुत, पर इसके अवसर हमें बनाने चाहिए, है ना। तो अवसर देने से कौन किस अवसर को यूटिलाइज कर जाएगा, कोई ना कोई तो करता ही है, काफी सारे लोग कर जाते हैं। तो किसी के तो इंडिविजुअल देखे, उसके तो कोई इंडिविजुअल डायलॉग नहीं, किसी का नहीं, इनफैक्ट इंडिविजुअल डायलॉग तो उसके लिए मतलब जिसका भी हुआ वो खराब ही हुआ, हड़का देता था, वो डांट लगा देता था, है ना, टीचर को धमकी दे देता था। पहले तो टीचर हिम्मत ही नहीं करते थे बात करने, डरते थे टीचर्स उधर, मैं देखा, क्यों भैया, है ना। लेकिन एक ग्रुप में बात चल रही है, उसको इनवाइट भी नहीं किया, वो अपने आप से आके ऐसा हो गया उसमें, और पता नहीं कितनी देर उसका प्रभाव रहा है तो मैं नहीं जानता, भैया बताएंगे। लेकिन वो उसने जो अभिव्यक्ति की उसको सुन के बहुत टीचर्स को बहुत मतलब वो टच किया, उनको वैल्यू दिखी इस बात की, है ना। तो अगर ऐसे अवसर बनेंगे इंस्टीट्यूशंस में धीरे 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 तो चीज़ें ठीक होंगी। तो वन टू वन भी होगा, जरूरत होगी, है ना, वन टू स्मॉल ग्रुप भी होगा, वन टू बिगर ग्रुप भी होगा। दूसरी चीज अभी ये है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे पे, तो वो ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। हाँ ठीक बात है, और वो जगह छोड़ के चला जाता है, एंड समटाइम्स जॉब में भी वो रिजाइन कर देता है। 8 घंटे का काम है, वो कंडीशन रख के इंडस्ट्रीज में जाता है कि मुझे 8 घंटे का ही काम देना है, नाइट शिफ्ट नहीं देनी है तो ही मैं आऊँगा। सो जॉब नहीं है फिर भी उसकी कंडीशन यही है, इंडस्ट्रीज में जाके वही बोलता है, और 500 रुपीज इफ ही गेट्स मोर तो इमीजिएटली ही विल चेंज द जॉब। तो स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो उसका कैरियर खराब होता है, ये क्या फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट होता है वो भी सोचता नहीं, अभी उसके दिमाग में वैसे आते ही नहीं। और इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है कि लुकिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ मोबाइल, तो वो भी उन लोगों ने भी बैन कर दिया, लेकिन वो लोग भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि बीच में जब रिसेस का लंच का टाइम है उसी टाइम मोबाइल अलाउड है, तो जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है वैसे जब आधा घंटा मोबाइल पे बात कर लेते हैं तो वो भी चार्ज हो जाते हैं। देखिए इंडस्ट्री को तो काम निकालना है, क्या कुछ कैसे निकालेगा क्या होगा, पर वो भी नहीं निकाल सकते। हाँ ठीक बात है, क्योंकि उसको थोड़ा भी काम आता है और 8 घंटे से बजाय 1 घंटा और रुकना पड़ता है तो वो छोड़ जाता है कि नहीं मुझे इधर काम नहीं करने का। पर ये तो प्रोफेशनलिज्म कहलाता है ना, कि आप इतने घंटे के लिए पे करते हो तो आई विल वर्क फॉर दिस मच एंड आई विल नॉट वर्क फॉर मोर देन, ये आजकल का एटीट्यूड है, इसमें मेरे को तो गलती नहीं लगती है, क्योंकि लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ आ जाती है ना, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो मालूम नहीं रहता। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो निकल जाता है वहाँ के पे, ये तो प्रॉब्लम आ गया है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, मुझे सीनियर से मिलना है,
डायरेक्टर से मिलना है, ये दिस इज द प्रॉब्लम. और समटाइम्स व्हाट दे फील कि स्टूडेंट्स आर हैविंग वेरी कैजुअल अप्रोच, कि इसमें क्या है, वो थोड़ा डिफेक्ट आ गया है तो आगे जाके निकल जाएगा. देखिए सर, इसकी बात जो है ना, इसको बहुत छोटा सा इसका वो है, हमारा जो जीना है ना उसमें तीन डोमेन है. एक हमारा व्यवहार है, एक हमारा कार्य है, और दूसरा हमारी भागीदारी है समाज में. ठीक है, ये तीन डोमेन्स हैं काम करने की, ठीक है, जीने की. हाँ, और इन तीनों के बेसिस पे हमारी आइडेंटिटी बनती है ना. इससे हमारी बिहेवियरल आइडेंटिटी या रिलेशनशिप आइडेंटिटी बनती है. है ना, इससे हमारी ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी बनती है. इससे हमारी सोशल आइडेंटिटी बनती है. ठीक है, रिलेशनशिप में व्यवहार या हमारा बिहेवियर जो है दैट डिटरमिन्स आर आइडेंटिटी. वर्क डिटरमिन्स आर ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी. और कैरेक्टर जो है वो हमारी सोशल आइडेंटिटी को डिटरमिन करता है. तो हमारे को तीन एरियाज में, जब एक युवा हो गया कोई व्यक्ति, इन तीन एरियाज में एस्टैब्लिश होना है. युवा का मतलब है जो इन तीनों के अंदर एस्टैब्लिश हो जाए. मैच्योर व्यक्ति का मतलब है जो इन तीन एरियाज में एस्टैब्लिश हो जाए. यही सफलता का आधार है. ये क्यों आधार है, आप देखिए, कोई आपके ऑक्यूपेशन में बोल दे आपको कि भैया आपका जो काम है इट इज़ नॉट ऑफ क्वालिटी, हर्ट करता है ना वो बात, है ना. या बिहेवियर में बोल दे आपका व्यवहार ठीक नहीं है, है ना. या आप सोसाइटी में, आप यू नॉट हेल्पफुल, यू आर बैड कैरेक्टर, है ना. तो हम कैसी इमेज चाहते हैं इस तीनों में, हमारा व्यवहार अच्छा है, हम वर्क में एक्सपर्ट हैं अपने, और हमारा कैरेक्टर एक साफ सुथरा कैरेक्टर है. अब ये बात हमारी एजुकेशन में नहीं है. तो वी कीप मिक्सिंग अप दीज थ्री थिंग्स, और हम किसी भी एक को ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रहे. थोड़ा बहुत इसको एड्रेस कर रहे हैं कुछ एरियाज में, है ना. ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी पे तो थोड़ा हमारा ध्यान है, बिहेवियर पे ध्यान नहीं है, और सोशल उस पर ध्यान नहीं है. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात है वो रिलेशनशिप्स के बेसिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. और सोशल सेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और रिलेशनशिप बेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इनके बेसिस पे आप वर्क में रिस्पॉन्सिबल हो पाएंगे, इससे कम में नहीं हो पाएंगे. अगर आप रिलेशनशिप्स में रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं कर रहे हैं तो आप वर्क में रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर जाएंगे, ऐसा नहीं है. आप जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, कि उसके फंडामेंटल्स जो है रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश होते हैं. और सोसाइटी की तरफ अगर आप रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करते हैं तो आपके पास एक लार्जर विजन नहीं है, फिर तो भी आप वर्क के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेंगे. तो वर्क के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बिहेवियर और कैरेक्टर का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. विदाउट गुड बिहेवियर एंड राइट कैरेक्टर यू कैनॉट बी सक्सेसफुल एट वर्क. यू कुड बी अ गुड टेक्नीशियन बट यू विल नॉट बी सक्सेसफुल टेक्निकली. यू माइट बी, ऐसे तो बहुत सारे केसेस मिलते हैं ना, द पर्सन इज टेक्निकली ब्रिलियंट बट इज नॉट सूटेबल फॉर द जॉब. क्या मतलब है, वो लोगों के साथ नहीं चल पाता है, उसको एक लार्जर विजन नहीं है, तो वो चीज़ों को ठीक से प्लान नहीं कर पाता है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, परसिस्ट नहीं कर पाता है.
तो दिस इज मिसिंग फ्रॉम द एजुकेशन, दैट्स वेयर वैल्यू एजुकेशन इज नीडेड, दिस नीड्स टू कम इन. बच्चों को समझ में आना चाहिए कॉलेज से पार होते हुए हमें इन तीन एरियाज में एस्टैब्लिश होना है. हमारी जो आइडेंटिटी है उसके तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे कार्य में मेरी एक्सपर्टीज कितनी है, एक्सीलेंस कितनी है ना, और मेरा कैरेक्टर कैसा है. कैरेक्टर क्या है, वही स्वधन स्वनारी स्वपुरुष तयापूर्ण कार्य व्यवहार. बिहेवियर क्या है, वही जिम्मेदारी पूर्वक संबंधों का निर्वाह मूल्यों के आधार पे, है ना. और टेक्निकल एजुकेशन तो आप जानते ही, वर्क एक्सपर्टीज. अब लॉन्ग टर्म अचीवमेंट के लिए तीनों चाहिए. अभी लॉन्ग टर्म अचीवमेंट का कोई सेंस ही नहीं है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, दैट इज द प्रॉब्लम. बट दिस इज द एज वी हैव ब्रॉट इन नो, फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं उसका. जो एकदम उसी क्षण में उसको सुख मिलेगा, क्षणिक सुख का अभ्यास कराना शुरू कर देते हैं. हम भी उसको वैल्यू कर रहे हैं, वो भी उसी को वैल्यू कर रहे हैं. वो देखता है पापा भी आइसक्रीम खा के बहुत खुश होते हैं तो मेरे को भी आइसक्रीम खा के बहुत खुश होना है. वो ऐसा सोचता नहीं है पर ऐसा सीख जाता है. उसमें उसको यही पता चलता है कि पापा को ये फ्लेवर अलग है, मेरे को कोई और फ्लेवर लगता है, बस इतना ही अंतर है, वेरिएशन इतना ही है. या मेरे को आइसक्रीम में नहीं, मेरे को चाट खा के खुश होना है, मतलब वो अपनी इंडिविजुअलिटी में बस इतना ही अंतर कर पाता है और कुछ नहीं, पर भोग के ही सुखी होना है. तो अपनी आइडेंटिटी अपने शौक से, अपने इंटरेस्ट से, अपनी हैबिट से, इससे बनाने की कोशिश कर रहा होता है. जबकि आइडेंटिटी जो है वो ये है, और इस आइडेंटिटी का मूल्यांकन इवैल्यूएशन जो है वो म्यूचुअल है. Your workplace will determine your occupational identity, the evaluation which you have and your colleagues have of you. जैसे आप लोग का कितने एक्सपर्ट हो अपने सब्जेक्ट में, ये केवल आपका मूल्यांकन नहीं है, आपके टीचर जो आपके कुलीग्स हैं साथ के वो भी करते हैं ना. जो भाग कॉमन है वो सही है, तो मूल्यांकन तो हमेशा म्यूचुअल है, ये ध्यान रखना है. ऐसे संबंध में जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं की, ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है. और कैरेक्टर्स तो सोसाइटी आपको कैसे देखती है ना. अभी हम सोसाइटी के अर्थ में केवल स्टेटस, कितना सुविधा संग्रह कर लिया है, क्या पद पे आ गए, इन सब मुद्दों को मान के चलते हैं. क्या गैजेट है, क्या गाड़ी है, आइडेंटिटी के इश्यूज वहां फंस गए. जबकि हमारी आइडेंटिटी जो परसिस्टेंट आइडेंटिटी है या लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी है, वो हमारे कैरेक्टर से ही बनती है. है ना. तो अब ये एजुकेशन में आना पड़ेगा, तब जाके वो रिजॉल्व होगी जो आप इशू कह रहे हो ना, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा. क्यों नहीं ले पा रहा, उसका बिहेवियर वीक है, उसका बिहेवियर मालूम ही नहीं बिहेवियर क्या होता है. वो केवल अनुकूलता प्रतिकूलता के हिसाब से चलता है, अनुकूल है तो इधर चल जाएगा, प्रतिकूल है तो उधर हो जाएगा. तो एक कहीं पे परसिस्ट ही नहीं कर पाता है. अभी देखिए हम लोग के सबके घरों में डायलॉग होता है छोटे बच्चों से, 8, 9, 10 किसी आयु में, कि बेटा आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे या क्या करियर लोगे, है ना. और उसमें हम उसका बेसिस, बच्चा बोलता है मैं फला सब्जेक्ट लूँगा, एक्स सब्जेक्ट लूँगा, है ना. मान लीजिए 9th क्लास में हो रहा है, 9th का मतलब हो गया 14 साल का बच्चा है ना. अब 14 साल के बच्चे को क्या मालूम क्या होता है, करियर का मतलब क्या है. वो बोलता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा. इंजीनियर बनने का मतलब क्या है, डज दैट चाइल्ड रियलाइज दैट. उसके लिए केवल वो संज्ञा है, एक नाम है ना. जिसको जो शब्द वो बोलता है, माता पिता की आंखें या तो खुल जाती है, अरे वाह या हो जाता है, ऐसा एक्सप्रेशन चेंज होता है उससे, उसको इतना मालूम है. या उसके फ्रेंड सर्कल में, उसके जो सर्कल है उसके अंदर कैसी रिएक्शन है, उसके बेसिस पे वो कोई एक करियर को बोल देता है. उसको कोई नॉलेज थोड़ी ना उसकी, बट हमने इसको इतनी वैल्यू दे रखी, नहीं हमारे बच्चे का इंटरेस्ट है. उसको ABCD नहीं मालूम है उसकी, पर उसका इंटरेस्ट ऐसा मानते हैं हम. इंटरेस्ट चेंजेस विद टाइम एंड सिचुएशन.
वही बच्चे का इंटरेस्ट छोटे बचपन में खिलौनों के साथ था, है ना। तो पर्पस को हम सोचते ही नहीं। करियर जो है वो समाज में कोई योगदान करने के लिए है। तुम अपने को किस क्या योगदान करने के लिए लगाना चाहते हो, है ना। अभी तय नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, शिक्षा और प्राप्त करो, जब निर्णय हो जाए तब करियर चूज कर लेना, जल्दी क्या। इंडिया में तो अभी ऐसा हो गया, पहले इंजीनियरिंग कर लो फिर करियर चूज करो। है ना, पर अब तो इंजीनियरिंग की दुकान शायद ठंडी हो रही है ना, अब नहीं चल रही। तो इंटरेस्ट वगैरह कोई बेसिस नहीं है। देखिए अभी बहुत सारी कमजोरियां हैं, अब उसकी बात करेंगे तो इट्स अ बिग टॉपिक, एंडलेस टॉपिक है। तो बच्चों के अंदर 10 साल तक ये स्वीकृति हो जाना कि जीने का कोई व्यवस्थित तरीका होता है। आज्ञा पालन की स्थिति का क्या मतलब है कि उसकी सफलता किसमें है, उसमें स्वीकृति हो जाना कि व्यवस्था पूर्वक जीना है, व्यवस्थित जीना है। उसके लिए उसके आसपास व्यवस्था दिखेगी तो वो करेगा। मनमानी पूर्वक जीना है, अभी ये मैसेज जा रहा है। मनमानी का मतलब है इंडिविजुअलिज्म की पराकाष्ठा, कुछ भी करना, मेरा मन करेगा तो करूंगा, नहीं नहीं तो नहीं करूंगा, है ना। हाँ ठीक बात है। तो संबंध बनने पड़ेंगे और संबंध का निर्वाह होना पड़ेगा, तो संबंध की शिक्षा होगी तो हो पाएगा ना। अभी तो संबंध कोई चीज ही नहीं है हमारी शिक्षा में कहीं पे भी, है ना। तो वही है, प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं केवल, इसका पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या है, यही बेसिस है निर्णय लेने का। संबंध थोड़ा ना होता है, कभी किसी को सुना है निर्णय लेते वक्त कि यही तो बोलते हैं, बेटा इसका प्रोज एंड कॉन्स देखो। ये कोई नहीं बोलता कि इसमें संबंध क्या है, इसको देखो, संबंध कैसे बेहतर होगा ये देखो। तो कैसे संबंध की बात आएगी। तो जो हमारे परस्परता है इसको हम उपयोग कर रहे हैं, इनको हम यूज कर रहे हैं।